तो गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस समय मौजूद हैं, बीजेपी से भी सांसद रह चुके हैं उदित राज जी, और फिलहाल मौजूदा कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या तब्दीली आ गई थी इस वक्त में और उस वक्त में जब किसानों के साथ ऐसी स्थिति हो चुकी है, क्या मान रहे हैं? न मैं बीजेपी का सांसद, न कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन, एक आम नागरिक के हैसियत से यहाँ हूँ। आदरणीय भंते जी से संवाद होता रहता है, इनके नेतृत्व में बहुत सारे अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट और दलित यहाँ पर हैं। यही एक जगह है गाजीपुर जहाँ पर अच्छा मिश्रण है, क्योंकि ये जो किसान लड़ाई अपनी ही नहीं लड़ रहा बल्कि आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और जब ये आटा 150 रुपये किलो हो जाएगा तो इसकी मार आम जनता के ऊपर भी पड़ेगी। किसान वो भी लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। निजीकरण से ही नौकरियां ख़त्म हुई, आरक्षण ख़त्म हुआ है, तो और अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई लड़ रहा है। अब ये बताइए, किसानों के साथ इतनी मीटिंग हो रही है, टाइम टू टाइम आगे बढ़ती जा रही है, बातचीत लंबी खिंचती जा रही है, क्या मान रहे हैं कि सरकार के अंदर ऐसी क्या हटता आ गई कि किसान की भी बात नहीं मानी जा रही है? किसानों को अभी तक हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि मोदी जी का जो शब्द होता है वो एक सम्राट का है, जो कानून है अपने आप में वापिस लेना। किसानों के साथ में प्रेस्टीज इशू बना करके रखा, लेकिन किसान ऐसा इनको झुका देंगे कि इनको वापिस लेना पड़ेगा, और ये जन आंदोलन है, लेना पड़ेगा। इनका जो तानाशाही रवैया है उसका अंत किसान ही करेंगे। और दूसरी बात है कि ये जब पहले ही कह दिया इन्होंने कि हम वापिस नहीं लेंगे, तो फिर वार्तालाप कल किसके लिए बुलाया जा रहा है? आप इनको जान करके उकसा रहे हो कि किसान हिंसक हो जाएं, लोग हिंसक हो जाएं। और कृषि मंत्री कल ने कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं है, फिर आठवें राउंड की बात का मतलब क्या है? मतलब ये कि इनको अपने ही देश के लोग हैं, इनको मूर्ख बनाने के लिए बुला रहे हैं। कल का ही बयान है। एक अंतिम सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि लगातार ये बात हो रही है कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, अंदर खाने को करना चाहिए था, आग नहीं, एक काम ही विपक्ष को करना चाहिए था जो किसान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी काम हो रहा है किसानों के जरिए, विपक्ष को ही करना चाहिए था। विपक्ष क्या यार, पॉलिटिकल पार्टी कोई परचून की दुकान खोलने के लिए पैदा हुई है, उनका काम ही है जन समस्या की लड़ाई। मानते हैं ये बात कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है, किसानों के बहाने चलिए और भी मुद्दों को साधने का बात नहीं, बल्कि उनको ही लीड करना चाहिए था। ये दुर्भाग्य के लीड नहीं कर पा रहे हैं, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल जी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है, सारा विपक्ष को डरा पड़ा हुआ है। ईडी से, सीबीआई से किसानों के ऊपर एनआईए की नोटिस सर्व की गई है। ये डरवाना, ब्लैकमेल करना, ये बहुत तुच्छ बात हुई है। अब राहुल जी से कहिए कि यूपी के चुनाव भी आने वाले हैं, थोड़ा और भी मुद्दों पर ध्यान दीजिए। कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, राजनीति के बाद से सवाल से जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मानना जरूर पड़ेगा कि विपक्ष को इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम जरूर कर रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।